हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, हॉटस्टार मॉडर्न का सेशन यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो 500 हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो कवे हैं, मतलब 525 क्वेश्चन में कवर कराए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, इसमें नए क्वेश्चन भी तैयार किया गया। ठीक है, तो आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, हॉटस्टार मॉडर्न में आप देखे होंगे, सिलेबस उठा के देखेंगे तो 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिफाई करने के लिए 15 नंबर लाना इसमें जो है कंपलसरी है। ठीक है, आप 15 नंबर नहीं लाते हैं फर्स्ट में आपको यही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए 15 नंबर लाना अनिवार्य है। अब नहीं लाते हैं तो यहाँ पे से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे पेपर आपका चेक नहीं होगा, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी मैं पिछले 525 क्वेश्चन मैं कवर कराया हूँ। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हॉटस्टार मॉडर्न के साथ बैंक वगैरह आपका तैयारी कर रहे हैं, SSC जो आपका जो है पटवारी वगैरह जो कंप्यूटर का सिलेबस है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसको जो है बताया जाएगा सेशन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का जो कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, वार्म, ट्रोजन हार्स, एंटीवायरस या वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको एंटीवायरस बोला जाता है। ठीक, तो है हानिकारक जो प्रोग्राम का पता लगाकर इसको वहीं पे रोकने और जो इसको हटाने के कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस सभी जानते हैं। ठीक है, जो सुरक्षित रखती है आपको प्रोग्राम वगैरह पूरे कंप्यूटर को। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जो एक ऐसा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वायरस को हटाने और रोकने, खोजने, पता लगाने और अन्य जो मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर जैसे वार्म, ट्रोजन हार्स हार्डवेयर के लिए जो इसको खास करके डिजाइन किया गया। ठीक है, आप जो है कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप यूज करते हैं तो एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, तो ये सभी क्षेत्र में इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है एंटीवायरस। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को, ये होता है आपका जो है URL, IP एड्रेस, वेब एड्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। ठीक है, कई बार बताया हूँ IP एड्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको जो है IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिट जो है 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, उसको जो है, ठीक, उसका जो है एक IP एड्रेस होता है या इसको IP एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, YouTube क्या है। तो आप सभी जानते हैं YouTube, तो आजकल ठीक है सभी जानते हैं। ठीक है, तो YouTube से अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, YouTube की स्थापना कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, YouTube से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। ठीक है, जैसे आप जैसे वीडियो कोई भी क्लास ले रहे हैं YouTube में। ठीक है जी, जैसे आप जो ऑनलाइन जो है यहाँ पे जो क्लास वगैरह अटेंड करते हैं, जो चलती है ऑनलाइन जो जो यहाँ पे जैसे क्लासेस यहाँ पे जो लाइव चल रही है, तो उसको जो आप देखते हैं, तो इसको जो है जो टाइम में रहती है जो है आप जो वीडियो वगैरह देखते हैं यहाँ पे, तो मतलब कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप देखते हैं, तो स्ट्रीमिंग से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया जो है स्ट्रीमिंग से क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, 2005 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो YouTube क्या चीज़ है, तो ये जो है एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है जी, याद रखिए, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें लाइव, ठीक है, जो लाइव वीडियो को देखते था शेयर कर सकते, ये जो लाइव जो चलती रहती है इसको जो यहाँ पे स्ट्रीमिंग बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ यूट्यूब से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो है आप जो कोई भी वीडियो देखते हैं तो इसको कितना मेगापिक्सल तक यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो ये सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो हम डेली बेस से देखते हैं, लेकिन हम कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे ये जो है आपको पता नहीं रहता। ठीक है जी, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे आए हुए। अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो मतलब इम्पैक्ट जो टाइप प्रिंटर जो है नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ब्रॉड बैंड प्रिंटर या उपरोक्त तो में से कोई नहीं। इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है टाइप नहीं है। ठीक है जी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करके देखेंगे तो ड्रम प्रिंटर,
चैन प्रिंटर तथा बैंड प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। ठीक है जी, यहाँ पे दिया गया है, इसका उपरोक्त जो है कोई नहीं करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है जी, यहाँ से जो स्टूडेंट लगभग 525 क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने भी लगे। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो निम्नलिखित कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, असेंबलर, कंपाइलर, ए और बी दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार बताऊँगी, कंपाइलर होता है जो हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है इसको जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करती है, इसको जो है कंपाइलर बोला जाता है। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो कंपाइलर जो है हाई लेवल जो वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है जी, इसको जो है सोर्स कोड के माध्यम से जो है मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसी को जो है कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखें, तो हाई जो है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जो सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, इसको जो है कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो कौन सा, चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो याद रखें इनपुट आउटपुट डिवाइस को रट लीजिएगा। ठीक है, मत जो मेरे से पढ़े होंगे तो आउटपुट इनपुट डिवाइस को इतना बताया हूँ तो उसको रट गए होगा। ठीक है, तो कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है तो उसको हमको बताना है, प्लाटर, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लाटर आपको जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है जी, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, आउटपुट डिवाइस, बाकी माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सभी आपको जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, यहाँ पे ये सभी को याद रखिए, प्लाटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो है प्लाटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो ग्राफ, चार्ट, डिजाइन, नक्शे आदि छापने के लिए इसका जो है प्लाटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्लाटर होता है, मतलब ये जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, या इसको जो है आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस, ऐसा भी जो है मतलब जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नांकित में से कौन सा जो डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा जो डिजाइन है प्रिंटर का प्रकार नहीं है, थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मल फ्लैट जो बेड है ये डिवाइस का जो है मतलब जो है ये जो है कौन सा जो है डिवाइस का प्रिंटर का प्रकार है, तो जो है फ्लैट थर्मल फ्लैट जो है बेड जो है प्रिंटर का एक डिवाइस है। ठीक है जी, यहाँ में देखेंगे तो थर्मल फ्लैट जो बेड डिवाइस प्रिंटर का जो प्रकार है, यहाँ खास करके वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ आपका जो है कागज़ स्थिर होता है, वहाँ पर इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंगणित जिसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई, कंप्यूटर्स का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार आपका बाइनरी अंगणित या इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा बाइनरी डिजिट को कैसा लिखा जाता है, कमेंट करके जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखेंगे तो बाइनरी अंगणित जिसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, ये कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण आधार है, इसमें केवल दो अंक, ये आपका जीरो और, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कई बार बताया है, जीरो और एक से जो है बाइनरी डिजिट को जो है निरूपित करते हैं। ठीक है जी, तो केवल दो अंक के होते हैं, जीरो तथा एक होते हैं, इसलिए इसका जो है आधार है यहाँ पर जो है दो होता है। ठीक है, जिसको जीरो और एक जो है इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जीरो और एक से जो है लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर, चित्र, तस्वीर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी जो है जब यूट्यूब को क्वेश्चन आया तो वहाँ पे बोला था कि जो पिक्सल से भी क्वेश्चन आते हैं करके। ठीक है जी, तो पिक्सल, चित्र, तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे जो है खाली स्थान कहते हैं इमेज, पिक्सल्स, इमेज या पॉइंट्स, इसका जो है पिक्सल बोलते हैं। ठीक है जी, आप देखेंगे 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 144 जो है पिक्सल ऐसा रहता है, इसी को जो है पिक्सल बोलते हैं। मतलब क्वालिटी पे जो है डिपेंड रहता है, कितना पिक्सल तक आप जो है जूम करके देख सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको जो है पिक्सल बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे तो मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदियों, डॉट्स मिलकर बनता है, और इन बिंदियों को जो है पिक्सल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, निम्नांकित में से किसे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, प्लाटर को, लेजर प्रिंटर को, इंकजेट प्रिंटर को, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, तो किसको जो है, किसे इम्पैक्ट प्रिंटर
कहते हैं, या मतलब ऑप्शन दिए, इसमें से चार ऑप्शन, इसमें किसको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब एक ही है, ठीक है, इसी को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं या कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रिंट हेड, ये जो है 7, 9, 14, 18 तथा 21 पिनों से निर्मित होता है, या इसको भी, या आपका जो पिन लग रहता है ऐसा करके, मतलब जो है आप डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है रहता है, पिन के माध्यम से प्रिंट होता है, ठीक, निर्मित होता है, जो एक वर्टिकल एरे अर्थात उद्र यहाँ पे उदग्र एरे के रूप में जो है व्यवस्थित रहता है, ठीक है जी, तो जो है पिन के, पिन लग रहता है इसको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हैं तो आवश्यक फंक्शन की कौन सी है, F2, F5, F7 या F4, ठीक है, F1 से लेकर F12 तक के जो है इसको जो है मुख्य फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने हैं तो जो आवश्यक फंक्शन F5 होता है, ठीक है जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड जो है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को जो खोलने के लिए यहाँ पे F5 फंक्शन की जो प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पहुँच के लिए इंटरनेट क्वालिटी की जो है आवश्यकता होती है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी के लिए जो है इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी की जो है आवश्यकता होती है, आप यूज करते हैं तो जरूरी भी है तो यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को प्रयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिना इंटरनेट के नहीं चल पाएगा, ठीक है जी। 13 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक जो है सेट है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया इसे कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को, ये जो एक सेट होता है इसको क्या बोलते हैं, करके प्रोग्रामों को एक सेट होता है इसको जो है क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाइए, ठीक है, पिछले 525 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी हम अटेंड किए हैं, ठीक है जी, जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों को समन्वय करना इसमें शामिल है, ठीक है जी। 14 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी, उबंटू, फ्री BSD, ओपन सोलेरिस या मैंकटोस, तो आपका जो मैंकटोस है ये जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, उबंटू, फ्री BSD, ओपन सोलेरिस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैंकटोस जो है, जो मलिकाना जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन है, MS Word, ठीक, MS Word सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर, ठीक है, तो याद रख, F1 से लेकर F12 तक के जो बटन जो होते हैं, मुख्य जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या होता है इसको जो है बढ़िया देखिएगा, ठीक है, जो मुख्य फंक्शन है, ठीक है, तो MS Word में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेव पेज का जो है डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो है खुल जाता है, या ऐसे ही को घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको क्वेश्चन बना के इसको आंसर दिया रहेगा, ठीक है, कि जो सेव पेज जो है डायलॉग बॉक्स जो है मतलब खोलने के लिए कौन सा जो है की का जो शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो F12 बटन दबाने के लिए प्रयोग करेंगे, ऐसा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो MS Word में F12, ठीक है, MS Word में F12 बटन दबाने पर सेव एस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलता है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करके, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सेशन को आज हम यही तक रखते हैं, ठीक है जी, और बताइएगा जो पिछले 525 क्वेश्चन कवर करे हैं उनको जो है, और जहाँ पर कहीं से भी जो है पुराने क्वेश्चन पेपर कहीं भी जो यहाँ पर लगाते रहिएगा, ठीक है जी, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है जी, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।